हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर हमारी कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है, ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपको जो आपकी वेबसाइट दी हुई है, नंबर वन वेबसाइट आपकी आती है www.rozgarresult.com। तो आपको ये अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। इसी के अंदर आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे की तरफ आपको इसको स्क्रॉल करते जाना है। और आपको साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से उसको डाउनलोड करना है, उसको नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो रिक्रूटमेंट का आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर जो दूसरे नंबर का आपको सेक्शन मिला है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ उस पर, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास में एक न्यू विंडो खुल के आएगी, और तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद में मेरे पास में एक न्यू विंडो खुल के आ चुकी है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स सिविलियन ग्रुप सी 2021 अप्लाई फॉर्म, ठीक है। पोस्ट आपकी जो स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई है, 6 अप्रैल 2021 से हो गई है, ठीक है। तो हम इसकी चीज़ पूरी डिटेल में देखेंगे इसके बारे में यहाँ पर, तो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपकी टोटल नंबर जो वैकेंसी आई हुई है कितनी आई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी बताई हुई है 1524 आपकी वैकेंसी आई हुई है इंडियन एयरफोर्स के अंदर आई हुई है, जो ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आती है, ठीक है। स्टार्टिंग जो डेट है आपकी 3 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपका ये फॉर्म। अगर आप इसको भरना चाहते हो, फिल करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसको कर सकते हो, 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है, जो एप्लीकेशन की जो रिसीव करने की हार्ड कॉपी जो रिसीव करने की जो लास्ट डेट आपकी कितनी है, 2 मई 2021 आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। रिजल्ट के बारे में या एडमिट कार्ड के जो बारे में अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है। साथ में यही बताया कि इंडियन एयरफोर्स वेरियस पोस्ट एग्जाम डेट आप ये भी कोई नहीं बताया हुआ है, यानी कि ये तीनों चीज़ें आपकी अभी डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, ठीक है। आप चाहे किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, तो आपकी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली, जैसे कि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन या साथ में जो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कोई भी फ़ीस नहीं है, चाहे एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट हो, तब भी आपकी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, अगर आप पीएच कैंडिडेट हो तो आप भी अप्लाई इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। होता क्या है कि अगर इस तरह की कोई फोर्स आती या रिक्रूटमेंट आती है डिफेंस के अंदर, तो वहाँ पर पीएच कैंडिडेट होते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, बट यहाँ पर पीएच कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्यों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीएच कैंडिडेट भी, तो हो सकता है उनके लिए कुछ ऐसा काम हो यहाँ पर वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, कि एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप इन एज के बीच में अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी कि अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको जो एडविटीज नंबर जो दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। उसको मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा कि आपको डिटेल में हम देखेंगे कि आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन कितना कितना दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर हम वैकेंसी की डिटेल बताई हुई है कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा हुआ है, ठीक है, या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आपको मांगा हुआ है एजुकेशन में, ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स में या फिर स्टेटिक्स के अंदर, ठीक है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा आपको बताया यहाँ पर स्टूडेंट स्टोर के लिए ग्रेजुएट एन स्ट्रीम, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा आपकी जो लास्ट यहाँ पर जो दी हुई है स्टेनो ग्रेड सेकंड की जो आपकी पोस्ट है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसी मांगी हुई है इंटरमीडिएट पास इन एनी स्ट्रीम, 12th पास होना चाहिए, साथ में आपकी हिंदी इंग्लिश की कंप्यूटर टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग आपकी मांगी हुई है। आगे देखते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर एलडीसी के अंदर वैकेंसी है लोअर डिवीज़न क्लर्क के अंदर, जिसके अंदर आप 12th पास होने चाहिए, साथ में हिंदी या इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग, ठीक है। इस वाले नोटिफिकेशन के अंदर जो मैं बता रहा था अभी हिंदी इंग्लिश, यहाँ पर आपको दोनों आना चाहिए, एंड लिखा है, यहाँ पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, दोनों में से एक चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी टाइपिस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी टाइपिस्ट की जो रिक्रूटमेंट है
ट्वेल्थ पास अप्लाई कर सकता है उसके अंदर, और कंप्यूटर टाइप हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों में अगर आपको आता है तो अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आपको हिंदी आता है तब भी अप्लाई करें, इंग्लिश आता है तब भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद में स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है, ट्वेल्थ पास कैन अप्लाई, ठीक है। उसके बाद में जो न्यू वैकेंसी हमारी सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की जो वैकेंसी है, उसके अंदर आप टेंथ अगर पास हो तो अप्लाई कर सकते हो, बट आपके पास में, आपके पास जो एक इसका DL होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो आपके पास में होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है। कुक की यहाँ पर आई हुई है, आप टेंथ क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कैटरिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, साथ में अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेंटर के बारे में देखते हैं, तो पेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी हुई है, तो यहाँ अगर आपने टेंथ पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर दीजिए, साथ में अगर आपने ITI भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद में कारपेंटर की जो वैकेंसी है, उसके अंदर सेम वही मांगा पेंटर की तरह, हाई स्कूल पास और साथ में ITI का सर्टिफिकेट इन कारपेंटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो रिक्रूटमेंट जो न्यू दी हुई है यहाँ पर, आगे यहाँ पर आया वार्ड सहायिका, ठीक है, यानी कि कोई आया वाय होती है जो ग्रुप डी के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर क्या मांगा हुआ आपका, टेंथ पास एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि किसी बोर्ड के थ्रू या किसी स्टेट से आप बस टेंथ पास होना चाहिए, ये सारी पोस्ट इसके अंदर आती है। एक एक करके इनका नाम बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर हाउस कीपिंग स्टाफ की है जिसके अंदर आपके सिर्फ फीमेल मांगा हुआ है, हाउस कीपिंग स्टाफ की, लॉन्ड्री मैन की है, मेस स्टाफ, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। साथ में आपको MTS की भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी जिसमें आपको सिर्फ टेंथ पास होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर आपकी 3-4 पोस्ट ऐसी दी हुई है जिसके अंदर आपको टेलर, टिन्स में टिन्स स्मिथ या कॉपर स्मिथ एंड सीट मेटल वर्कर, जिसके अंदर आपको मांगा हुआ है टेंथ क्लास पास, साथ में ITI सर्टिफिकेट, जो कि इन फील्ड से आपको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं फायरमैन के लिए, फायरमैन के अंदर आपका टेंथ क्लास पास होना चाहिए, साथ में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए फायर सर्विस के अंदर, ठीक है, अपनी स्टेट से, ठीक है। साथ में यहाँ पर उसने बताया कि अगर आपको डिटेल चेक करनी है तो आपका जो नोटिफिकेशन है या एडवर्टीजमेंट आप उसको यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो हमारी न्यू रिक्रूटमेंट है फायर इंजन ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पर एजुकेशन जो आपकी मांगी हुई है, टेंथ पास अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पर वो बाकी कोई चीज़ आपसे नहीं मांगी हुई है। न्यू पोस्ट हमारी FMT के लिए, इनके फीटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट स्किल्ड, ठीक है, टेंथ पास होना चाहिए, साथ में आपका ITI सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए इसी ट्रेड से रिलेटेड की, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए, हाई स्कूल पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेदर वर्कर के लिए अगर आपने, या फिर टर्नर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में टेंथ या फिर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन दोनों ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक HSW ग्रेड सेकंड, तो यहाँ पर आपके पास में ITI सर्टिफिकेट, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो वैकेंसी की जो डिटेल हमने, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो डिटेल हमने डिटेल में कवर कर ली है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है कितनी है, तो यहाँ पर 1584 आपकी जो वैकेंसी है पोस्ट है दी हुई है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि किसको आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो कुछ इस तरह का आपको एक विंडो मिलेगा, यहाँ पर सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है डिटेल में, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है या फिर वहाँ से डिटेल आपको चेक करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपका जो आपका वॉल पोस्टर है, यानी कि शॉर्ट में आपको डिटेल बताई होगी, तो यहाँ पर आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जो उसको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है सबसे, उसके बारे में कि वहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें मांगी हुई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें हम उस नोटिफिकेशन अंदर क्या करने वाले, देखने वाले। अगर आपको उसको डाउनलोड करना होगा तो आपको क्या करना है, इस वाले लिंक पे यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद वो डाउनलोड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद में। तो हमने इसका जो नोटिफिकेशन था वो हमने डाउनलोड कर लिया है, जो नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं कि हम एक एक पोस्ट को यहाँ पर कवर कर पाए, जो हमने वैसे भी ऑलरेडी उसको कवर कर लिया है। तो यहाँ पर बस ये बताया जा रहा है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है और कैटेगराइज वाइज यहाँ पर आपको दी हुई है वैकेंसी। तो हम आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आपको काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सारी आपकी पोस्ट लिए पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपको दी हुई है साथ साथ में। तो काफ़ी अच्छी लंबा नोटिफिकेशन है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। सीधा हम चलते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। देखो अभी भी नोटिफिकेशन चल रहा है और यहाँ पर जाके ये ख़त्म हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी भी देखो बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, इनकी सारी चीज़ें बताई हुई है यहाँ पर पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। एज लिमिट हमने पहले डिस्कस कर लिया, जो हम बात करने वाले थे रिलैक्सेशन के बारे में, ठीक है, कि आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो एज मांगी थी 18 से 25 के बीच में मांगी थी, ठीक है। तो अगर आप, हो सकता है आप इन एज के बीच में आप लाई नहीं कर रहे हो, यानी कि एज ज़्यादा हो गई है आपकी, तो आपको क्या दिया जाएगा, अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैं आपको देखो जूम करके दिखा देता हूँ उस पर, जिससे आपको अच्छे से ये दिख जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप बिलोंग करते हो SC या फिर ST कैटेगरी से तो आपको जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो, ठीक है, तो आपको, या फिर आप एक्स सर्विस मैन हो, तो यहाँ पर दोनों तरीके से आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ के लिए जो रिलैक्सेशन है 10 ईयर का आपको दिया जाएगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर एक्स सर्विस मैन के लिए बता दिया कि कितना हो सकता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्स सर्विस मैन हु हैव रेंडर नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन आर्म फोर्स शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द फुल पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम देयर एक्चुअल एज एंड इफ द रिजल्ट एज डज नॉट एक्सीड दी प्रिस्क्राइब मैक्सिमम एज बाई द मोर देन 3 ईयर, यानी 3 साल का आपको मिल सकता है, एंड देन शैल बी डीम टू बी विद इन द एज लिमिट, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको बताया हुआ है कि आपको कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आगे चलते हैं यहाँ पर आपको कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है इसको, तो यहाँ पर देखो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लिखा है, ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इश्यूड कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट। अगर आपने ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर मांगी हुई है, सर्टिफिकेट अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, आपने अगर आपको उन चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हो, तो आपको एक कॉल लेटर आएगा आपके पास में रिटर्न टेस्ट के लिए। दूसरा यहाँ पर पॉइंट बता रहा है आपको, दिल्ली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू अपेयर रिटर्न टेस्ट, दी रिटर्न टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब ये है, जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपेयर करने वाले हैं और उन्होंने जो अपना मिनिमम सर्टिफिकेट या एजुकेशन का सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर सेक्शन भी बताया हुआ है कि आपको सेक्शन में क्या क्या आने वाले हैं। तो पहले सेक्शन के अंदर यहाँ पर बताया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एंड थर्ड वन आपका दिया है जनरल इंग्लिश, एंड लास्ट वन इज़ जनरल अवेयरनेस, ठीक है। क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड, यानी कि आपका बाईलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस साथ में यहाँ पर बता दिया है, द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट एंड कॉल्ड फॉर द स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट व्हाट वेयर एवर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेरिट एंड कैटेगरी इन द रिटर्न टेस्ट, यानी कि आपकी मेरिट बेस्ड भी हो सकता है या फिर कैटेगराइज वाइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर गोइंग टू ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ एनेक्सर अटैच विद एप्लीकेशन, यानी कि जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं, आपको उनकी ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी है, ठीक है, जैसे कि अनेक्शर के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं, यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर बताया हुआ है कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइज, यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है उसके पब्लिश होने के बाद में 30 दिन तक आपका जो एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपके पास में जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो सारे यहाँ पर आपको अटेस्ट करने हैं और आपको यहाँ पर सबमिट करना है, 30 दिन से अंदर अंदर आपको पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितने भी आपके सर्टिफिकेट है यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यहाँ पर ये बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं बी पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो बी पॉइंट जो हमसे कह रहा है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो बी पॉइंट के बारे में बताया, इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट अगेंस्ट देयर रिजर्व कोटा देयर कास्ट शुड बी लिस्ट अंडर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC एज कैंडिडेट बिलोंग टू द कास्ट लिस्ट अंडर द सेंट्रल लिस्ट ओनली आर एलिजिबल अपॉइंटमेंट, यानी कहने का मतलब यह है कि जिसको रिलैक्सेशन चाहिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपना लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई सी भी कैटेगरी से आप अगर आप बिलोंग करते हो।
बाकी नेक्स्ट आपका लिखा है यहाँ पर पॉइंट, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन सेल्फ एस्टेटेड फोटो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक इज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। ये बात जो लिखी है एक्स सर्विसमैन के लिए है जो कोई रिटायर हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म डुअली टाइप्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि विद रिसेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ड्यूली एंड सेल्फ अटेस्टेड। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में दिया हुआ है, आप उसको फिल करके और साथ में जितने ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप विद स्टाम्प 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये वाला को होना चाहिए, पेस्ट करना है उस पर। एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी, यानी कि आपको आपने उसमें टाइप करना है या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड, ठीक है। एप्लीकेशन टू मैंसन क्लियरली ऑन एनवेलप एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, उसके बाद में पोस्ट का नाम एंड कैटेगरी आपकी जो भी बिलोंग करती है, SC ST OBC जो भी जिस चीज़ के लिए अप्लाई करो, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है दी टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, सेम एज फिक्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फिक्स करोगे वही आपको पासपोर्ट साइज आपको 2 सेंड करने रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन हमने कवर कर लिया है, बाकी तो इस चीज़ के अंदर और कुछ नहीं दिया हुआ है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर, ये आपको किस तरह से फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इनको चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ में इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जो इंडियन एयरफोर्स में जाने का अपना सपना देखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।